19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्धा का दौरा करने वाले हैं। संभावना है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार नागपुर में विश्राम करेंगे, जिसके विषय में जानकारी लेने के उद्देश्य से हमारे संवाददाता ने विधायक प्रवीण दटके से बात की। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां जमकर प्रचार में लगी हुई हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदर्भ में यह तीसरा दौरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी वर्धा में भाजपा प्रत्याशी रामदास तड़स के प्रचार के लिए आने वाले हैं। 19 अप्रैल को विदर्भ की 5 सीटों के लिए मतदान होगा। एक ओर मतदान हो रहे होंगे, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उनके नागपुर में विश्राम करने की व्यवस्था की गई है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। जानकारी देते हुए विधायक प्रवीण दटके ने इस दौरे के विषय में प्रतिक्रिया दी। नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के जो चुनाव 26 अप्रैल को होने वाले हैं, जहां की 13 राज्यों के 89 सीटों पर जो है चुनाव हो गया, और इसी बीच जो है वर्धा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं, उस विषय में जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विधायक प्रवीण दटके। क्या कहना चाहेंगे, वर्धे पर प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, किस प्रकार का उल्लास रहेगा और किस प्रकार का जो है नियोजन रहेगा? वर्धा में पहली बार ही आ रहे हैं, वर्धा का इलेक्शन दूसरे चरण में है, तो दूसरे चरण के लिए प्रचार करने के लिए 19 तारीख को आ रहे हैं। शाम को 4 बजे नागपुर आएंगे, वहाँ से सीधा वर्धा हेलीपैड जाकर तळेगाव जाएंगे, और पंतप्रधान आएंगे तो हमारे लिए उत्सव का विषय है। जो पंतप्रधान पूरे विश्व में, जिनका पूरा नाम है, उस देश का नाम सारे विश्व में करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, देश के गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, 25 लाख गरीबों को गरीब रेखा से ऊपर लाने के लिए जिन्होंने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, हमारे पंतप्रधान ने जो बोला था वचननामे में, जो बोला था वो सारा पूरा किया है, तो उनके बारे में तो उत्साह होगा। उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, वर्धा में अच्छा प्रचार होगा, और नागपुर आएंगे। हमारे लिए हर्ष की बात है कि 19 तारीख को रात को नागपुर रुकने वाले हैं, एक शहर के लिए गौरव की बात है। सुबह 20 तारीख को जब एयरपोर्ट जाएंगे तब उनका स्वागत एयरपोर्ट पर भी होगा, राजभवन पर भी होगा, और इस कारण नागपुर में उत्साह होगा, मतदारों में उत्साह होगा, अब की बार 400 पार बोलने वाले नागरिकों में उत्साह होगा, अब की बार नितिन जी को 5 लाख पार वोट देने वाले हमारे सारे 18 से 25 के तरुण कार्यकर्ताओं मतदारों में उत्साह होगा, महिलाओं में होगा, सारे जनता में, किसी जात पर नहीं, पात पर नहीं, धर्म पर नहीं, पंथ पर नहीं, विकास पर और सच्चे आदमियों पर वोट देने वाली ये जनता है। इसलिए हमारे पंतप्रधान आ रहे, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और नागपुर में इसका अलग उत्साह कल के मतदान पे भी दिखेगा। साथ ही जो है कई अटकलें भी लगाई जा रही है विपक्ष द्वारा कि जो है कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में कार्य क्षमता नहीं है, इसलिए बड़े नेताओं को और हाई प्रोफाइल नेताओं को आगे किया जा रहा है, जिससे कि जो है मतदान पे प्रभाव पड़े। क्या कहना चाहेंगे इसमें? इसका मतलब खड़गे जी नागपुर आए तो फिर नागपुर के कांग्रेस के नेताओं का प्रभाव नहीं है क्या? इसका मतलब कहीं राहुल जी जा रहे हैं, कहीं प्रियंका जी जा रही, तो इसका मतलब वो उनके कार्यकर्ताओं में क्षमता नहीं, का ऐसा होता नहीं है। हमेशा जब से मैं बड़ा हुआ हूँ तब से बड़े बड़े दो लोग नागपुर में कस्वम पार्क में कांग्रेस के बड़े बड़े लोगों की सभा हो रही थी, तो इसका मतलब था क्या इनमें अटल जी की सभा हुई, बाला साहब ठाकरे जी की सभा हुई? कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना है नेताओं का काम है, और खुद नरेंद्र मोदी ऐसा नाम है कि उनका नाम सुनते ही कार्यकर्ताओं के दिलों में, उनके मस्तिष्क में एक उत्साह आता है, और उत्साह से 100% यदि काम कार्यकर्ता कर रहे हैं तो वो आने के कारण, उनके उद्बोधन के कारण कार्यकर्ता की क्षमता 200% बढ़ जाती है। इसलिए सभी पार्टी के नेता सभी जगह जाते हैं, इसका मतलब ना हमारा काम कार्यकर्ता के आधार पर है, हमारा काम बूथ पर है, शक्ति केंद्र पर है, हमारे वॉरियर है, हमारा मंडल है, हमारे वार्ड है, हमारे वार्डों के प्रभागों की कार्यकारिणी है, हमारे पेज प्रमुख है, और इन सब पर हमारा भरोसा है। इनके 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 वजह से ही माननीय नितिन जी 5 लाख पार जाने वाले हैं, 5 लाख पार लीड होने वाला है, और मोदी जी आ रहे हैं, ये का भाजप जान दो। नागपुर शहर में, नागपुर ग्रामीण में रहने वाले सारे नागरिकों के लिए हर्ष की बात है। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, वर्धा में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने वाली है, जहां की बड़ी मात्रा में जो है मतदान पर भी इसका असर पहुंचेगा, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के कार्य क्षमता पर भी काफी असर पहुंचेगा, ये जो कहना है प्रवीण दटके जी का। और क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का नियोजन रहेगा, किस प्रकार का विशेष क्या बताना चाहेंगे? नियोजन तो अभी हमारा काम 24/7 चलता है, इसलिए सारे बूथों पर नियोजन होगा, मतदान निकालने की जिम्मेदारी होगी, जल्द से जल्द मतदान करने का विषय होगा, धूप
बहुत ज़्यादा है तो उसके कारण सर बारिश आई तो बारिश की भी में भी कैसा काम करना है इसकी भी व्यवस्था की है। मैं आपके माध्यम से आपका भी धन्यवाद देता हूँ BCN न्यूज़ का कि आपके माध्यम से मैं नागपुर की जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि उन्होंने 100% मतदान करना चाहिए, विकास के लिए मतदान करना चाहिए, भारत देश के लिए मतदान करना चाहिए और भारत को 2047 में विकसित देश बनाने के लिए मतदान करना चाहिए। दर्शकों जिस प्रकार से आपने सुना प्रचुर मात्रा में जो है चुनाव हो नागपुर में, साथ ही साथ पूरे देश में जो है 100% मतदान हो, यही इच्छा व्यक्त की है प्रवीण दटके ने। और जिस प्रकार से बात की गई है वर्धा में जो है पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है दौरा होने वाला है तो ये देखना काफी रोचक रहेगा कि इसका असर चुनाव पर किस प्रकार से पड़ता है। गौरतलब है कि कल लोकसभा के प्रथम चरण के चुनाव संपन्न होंगे जहां शहर में 100% मतदान करें एवं जनतंत्र को मजबूत बनाएं ऐसी अपील भाजपा के प्रवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता चंदन गोस्वामी ने की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चंदन गोस्वामी जी, क्या बताना चाहेंगे जो पहली बार जो है वर्धा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है दौरा होने वाला है, साथ ही साथ चुनाव भी है, किस प्रकार का जो है एक कार्यकर्ता के रूप में एक पदाधिकारी के रूप में किस प्रकार का उल्लास आपको प्रतीत हो रहा है? देखिए हम 365/7 भारतीय जनता पार्टी का कैडर पदाधिकारी और नीचे बूथ तक का कार्यकर्ता हमेशा हर चीज़ के लिए रेडी रहता है और सामाजिक काम करता है राजनीति के साथ साथ, क्योंकि हमें पहले समाज सेवा सिखाया गया है बाद में राजनीति करना सिखाया गया है। इसके अलावा रही बात वर्धा में जिस प्रकार से प्रधान नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो उसमें कार्यकर्ताओं में बहुत हर्ष और उल्लास है। कार्यकर्ता चाहता है कि मेरे एक जो आइडियोलॉजी है प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु है जैसे देश विदेश के लोग एक चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेने चाहते हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके विदेश के, तो ऐसे प्रधानमंत्री का हमें दर्शन हो जावे। तथा इसके साथ साथ रही बात मतदान की तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा हमें जिस प्रकार का लोकतंत्र और संविधान में हमें छूट दी गई है, हमने सभी से यह निवेदन किया है कि संविधान की रक्षा के लिए और संविधान को मजबूत और बनाने के लिए बाबा साहब का नाम ऊंचा करने के लिए हमें मतदान करना चाहिए। इस बार 400 पार का नारा दिया है प्रधानमंत्री जी ने और यहाँ पर नागपुर में 5 लाख से अधिक के लीड का नारा दिया है हमारे नितिन जी गडकरी ने, हमें उस लक्ष्य को पूरा करेंगे यह हमें पूरा भरोसा है। दर्शकों जिस प्रकार से देखा गया है नागपुर में 22 लाख जो है मतदाता, लगभग 22 लाख मतदाता कल वोट करने वाले हैं, पहले चरण के मतदान कल होने वाले हैं, तो इसी स्वरूप में जो है प्रचुर मात्रा में चुनाव हो ऐसी ही जो है कामना चंदन गोस्वामी द्वारा की गई है, साथ ही साथ विधायक प्रवीण दटके द्वारा की गई है। साथ ही साथ वर्धा में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है वो काफ़ी उल्लासित होगा, काफ़ी जो है खुशी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के बीच प्रतीत हो रही है, ऐसा ही कुछ कहना है चंदन गोस्वामी साथ ही साथ जो है विधायक प्रवीण दटके का। तो आइए देखते हैं आगे इसका क्या असर पड़ता है। कैमरा पर्सन अजित कुमार के साथ मैं मनीष टीम NBC न्यूज़ खिलना।